मेरे परिवारजनों, जब भी कांग्रेस को पक्का हो जाता है कि वो चुनाव हारने वाली है तो वैसे ऐसी ऐसी झूठी घोषणाएं करने में लग जाती है, अखबारों में टीवी पर छाए रहने के लिए खजाना लुटा देती हैं। राजस्थान में भी ये ऐसा ही खेल खेल रहे हैं, जनता को धोखा देने में जुट गए हैं। ये सोच रहे हैं कि जनता इनकी बातों में आ जाएगी, इनके 5 साल के कुशासन को भूल जाएगी, इसलिए इन्होंने फिर धड़ाधड़ घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। लेकिन मेवाड़ की, राजस्थान की जनता तो पूछ रही है कि इतनी ही चिंता थी तो बीते 4-5 साल कहां थे? कुर्सी बचाने के सिवाय कोई काम किया है क्या? गरीब कल्याण की गारंटी तो मोदी पूरा कर रहा है। कोरोना काल में हर परिवार का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भी भूखा सो न जाए, मोदी ने उस गारंटी को पूरा करके दिखाया है। हर गरीब को कोरोना का मुफ्त टीका लगे, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। हर गरीब का अस्पताल में मुफ्त इलाज हो, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। और आप जानते हैं, हमारा समाज में, परिवार में अगर मां बीमार हो जाए, कितनी ही पीड़ा हो, कितनी ही तकलीफ हो, लेकिन मां परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है, दर्द हो रहा है, वो अपना काम करती रहती है, मुसीबत पीड़ा दर्द सहती रहती है। क्यों? क्योंकि मां के मन में होता है कि अगर बच्चों को बीमारी का पता चल जाएगा और अस्पताल में जाएंगे, भारी भरकम बिल आएगा, ये बच्चे कर्जदार बन जाएंगे, बेटे पर कर्ज नहीं करने देना है, भले 2 साल पहले चली जाऊं, भले दर्द सहती रहूं, लेकिन बेटे को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी। ये हमारे देश की माताएं सोचती है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, अब आपको बीमारी सहनी नहीं पड़ेगी, यह आपका बेटा 5 लाख रुपए तक आपके इलाज का खर्चा करने के लिए आपको गारंटी देता रहा है और पूरी कर रहा है। आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए हैं और जिनका बाकी रहा है काम चालू है, और आपका घर भी बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना मोदी आया था, सांवलिया सेठ के चरणों में बैठ करके बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। मोदी ने राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है।
और मोदी आज गारंटी देता है ऐसा नहीं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है, दो दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ये मोदी की गारंटी थी। अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है, राजस्थान भी मेरा है, मैं राजस्थान को तरसा नहीं रख सकता हूं। और नर्मदा का पानी, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आज राजस्थान के कई जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, यह मोदी की गारंटी होती है। राजस्थान के मेरी माताएं बहनें, मैं गुजरात से जानता हूं, बिना पानी कैसे जिंदगी मुश्किल से गुजरती है। सूखा प्रदेश है, बारिश कम होती है, उसके बावजूद भी गारंटी दी है। मेरी माताएं बहने, आपके रसोई घर में नल से जल, ये मोदी की गारंटी है। राज्य के 45 लाख से अधिक परिवारों तक पिछले 4 साल में नल से जल पहुंच चुका है। और अगर यहां एक कुर्सी बचाओ सरकार न होती, ना भाजपा की सरकार होती, तो आज मेरा काम पूरा हो गया होता। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही जिन घरों में अभी नल से जल नहीं पहुंचा है, वहां भी तेज गति से पहुंच जाएगा। मेरे परिवारजनों, इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जो दिक्कत है, मैं उसे भी भली भांति जानता हूं। ये पूरा क्षेत्र, हम गुजरात के लोगों को तो ऐसा ही लगता है जैसे हमारा ही घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा।